हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा में और आज हम ताजमहल देखने के बाद अब हम आज शाम को चलेंगे सदर बाजार, सदर बाजार चलेंगे, मीना बाजार चलेंगे और भी यहां के तमाम जगहों पर लेके चलेंगे जो यहां फेमस है। और ये पूरी यात्रा हम आज ट्रेवल करेंगे तांगे से और हमारे साथ है तांगे वाले भैया शरीफ भैया, शरीफ हमें लेके चलेंगे। फटाफट हम तांगे में बैठते हैं और अब चलते हैं सदर बाजार। तो और ये हम बैठ गए हैं तांगे में और तांगे से हम करेंगे आगरा के सदर बाजार की तरफ रुख। तो हम आपको बता दें कि यहाँ ताजमहल से सदर बाजार लगभग लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और जो यहाँ पर से आपको तांगे मिल जाते हैं, आप ऑटो रिक्शा से जा सकते हैं। यदि आप ऑटो रिक्शे से जा रहे हैं सदर बाजार ताजमहल से तो आपको लगभग 50 रुपये का वापस किराया पड़ेगा। यदि आप तांगे से जा रहे हैं तो लगभग ये आपके ऊपर होगा, वो 150 में भी जा सकता है, 200 में भी जा सकता है, तो लगभग 150 और या फिर आना जाना कर रहे हैं तो 300 रुपये। तो अब देखिए हम तांगे से चल रहे हैं और ये हमारे साथ हैं, पूरे आगरा में हमारे साथ हैं हमारे शरीफ भैया, ये हमें घुमा रहे हैं और ये उनका तांगा। तो घोड़े का नाम क्या भैया? रानी। तो ये जो घोड़े का नाम है ये है रानी, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ से भी मार्केट है, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर सदर बाजार है। और रास्ते में क्या क्या पड़ेगा और भैया? मिनी ताज और मीना बाजार जो अगल बगल में ही है, एक ही के अंदर में है। तो मिनी बाजार और मीना यहाँ मीना बाजार भी लेके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या स्पेशली देखिए, अब ऑटो से तो अनुमान अपने शहर में आप लोग जाते ही होंगे, लेकिन जो तांगा है वो आगरा में आपको एक अलग से आपको फील कराता है, अलग से एक एक्सपीरियंस आपको कराता है। तो आज इसलिए हमने तय किया कि आज जो हम सफ़र करेंगे वो हम तांगे से करेंगे। तो बड़ा मज़ा आ रहा है तांगे में, और तो मतलब हम अपने सिटी में घूमते ही हैं लेकिन तांगे की जो कमी है वो हम बड़ी कमी फील करते हैं। तो और ये तांगा बड़ा सजा रखा है, देखिए आप तांगे को दिखाएं, तो हम आ गए, ये वो देखिए और ये रानी नाम है घोड़े का। तो हम चलते हैं सदर बाजार की तरफ। तो आपका मीना बाजार है, तो ये रास्ते में पड़ेगा, तो आप रास्ते में मीना बाजार देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं मीना बाजार भैया। तो पहले हाँ मीना बाजार चलते हैं। तो मीना बाजार ताजमहल से लगभग 1 किलोमीटर के अंदर में ही आ जाता है, तो 1 किलोमीटर की दूरी पर मीना बाजार है। तो और यहाँ से हम अंदर चलेंगे, यहाँ से मुड़ने के बाद हम बढ़ रहे हैं आगे मिनी ताज के तौर। तो अब हम पहुंच चुके हैं मीना बाजार, देखिए ये मीना बाजार है इधर, और अब हम तांगे से उतर रहे हैं और यहाँ से ये है मीना बाजार। मीना बाजार में यहाँ पर ये पहले यह एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स है मीना बाजार। यहाँ पर एक तो आपको यूपी हैंडक्राफ्ट हैंडलूम की जो सामान है वो आपको यहाँ पर मिलता है, और प्लस यहाँ पर आपको लेजर और लाइट शो भी होता है, जो पहले ताजमहल के पास हुआ करता था, ताजमहल में हुआ करता था, अब वो यहाँ पर होता है। तो अब हम चलते हैं कहाँ पर वो लेजर और लाइट शो होता है वो भी हम आपको बताते हैं। तो ये है मीना बाजार कॉम्प्लेक्स, यूपी हैंडक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर आप जो भी हैंडक्राफ्ट के जो सामान है वो यहाँ पर आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट के रेट होते हैं, यूपी टूरिज्म का जो है, यूपी गवर्नमेंट का है, उसके रेट्स के हिसाब से यहाँ पर आपको हैंडक्राफ्ट का सामान मिलता है। तो ये देखिए ये है, यहाँ पर से हम आपको दिखा देते हैं, ये है मार्बल, यहाँ पर देखिए हैंडलूम, ये यूपी, यहाँ पर देखेंगे यूपी हैंडक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन का। Thank you.
मालूम मत रही रोड भी उसको माल रोड बोलते हैं और फतेहाबाद रोड मॉल रोड
दोस्तों अब हम सदर बाजार में एंट्री कर चुके हैं। ये सदर बाजार जाने वाली रोड है, इसमें एक तरफ इधर की तरफ हम देखेंगे राइट हैंड साइड की तरफ से मार्केट है, राइट हैंड तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सदर बाजार। ये देखिए सदर बाजार, आगरा का सदर बाजार जो कि ताजमहल से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ हम पहुंचे हैं तांगे से। आज पूरा हमने ट्रेवल किया पूरा आगरा तांगे से, और अभी हम शाम को लगभग 5:30 बजे पहुंच चुके हैं सदर बाजार।